मतदान होगा। कोरोना फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे में पंचायत चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह का कहना है कि चुनाव के दरमियान पूरी तरह कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। वहीं आरक्षण और परिसीमन को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। इस पर न्यूज वर्ल्ड से बातचीत में बोले आयुक्त बीपी सिंह की ये राज्य सरकार को देखना है, लेकिन चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी है। ऐलान हो चुका है, बीपी सिंह साहब हमारे साथ में हैं। सर, चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, कोविड चल रहा है, इसके लिए किस तरह की गाइडलाइन है चुनाव को लेकर? जो कोविड को लेकर के बहुत डिटेल्ड गाइडलाइन हमने जिलों को जारी की है, कई बार हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हम लगातार संपर्क में हैं, हम उनसे डेली की रिपोर्ट लेते हैं, दो तीन बार कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हम उन्हें विस्तार से बता चुके हैं कि किस तरीके की कार्रवाई उन्हें करनी है। तो कोविड को लेकर के हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को जो आवश्यक आवंटन है वो भी दिया है कि ग्लव्स, सैनिटाइजर, जो कुछ व्यवस्था मतदान केंद्र पर चाहिए वो सब की जानी है, और इलेक्शन की पूरी प्रोसेस में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सभी को करना है, मतदान करने वाले को भी, अभ्यर्थी को भी, चुनाव प्रचार करने वाले को भी, और सारे अधिकारियों कर्मचारियों को भी। सर, आयोग इस बात को किस रूप में ले रहा है कि अभी परिसीमन आरक्षण को लेकर कोर्ट में मामला है? इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, तो हमारा काम है चुनाव कराना, हम करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है, तीन चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, और आयोग कह रहा है कि सभी तरह की तैयारी चाहे कोविड को लेकर हो या निर्वाचन को लेकर हो पूरी पुख्ता कर ली गई है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ 1 भोपाल। प्रधानमंत्री